मार्केट में इतने सारे रूम हीटर्स तो आ गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा रूम हीटर सबसे कम बिजली में सबसे ज्यादा हीटिंग देगा? लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सबसे बेस्ट है? एक टाइम पे हीटर्स का मतलब बजाज के कुछ ये वाले हीटर्स हुआ करते थे। सर्दियों में सबके घर में कुछ ऐसे ही हीटर्स मिल जाते थे। लेकिन भाई अब तो मार्केट में इतने अलग अलग तरीके के हीटर्स आ गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा लें, कौन सा ना लें और इन सब में डिफरेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए मैंने मार्केट से 4 अलग अलग टाइप के हीटर्स खरीद लिए, ताकि मैं भी जान पाऊं, आपको बता पाऊं कि अलग अलग टाइप के हीटर्स में आखिरकार क्या डिफरेंस हो सकता है। तो हे दोस्तों, आप लोग V4 वीडियोस। तो हमारे पास जो पहला हीटर है बेहद ही कॉमन है, आराम से मिल जाता है। इसके अंदर एक रॉड होती है जिसके ऊपर नाइक्रोम वायर होता है, तो ये वायर जब गर्म होता है तो हमें हीट मिलती है। और आपको इसके मार्केट में सिंगल रॉड और डबल रॉड के मॉडल मिल जाएंगे। और ये दूसरा रूम हीटर है, इसमें डिफरेंस ये है कि भाई ये इसके अंदर नाइक्रोम वायर नहीं होता है, ये है हैलोजन रूम हीटर, यानी कि इसके अंदर हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं। एक जलाओगे तो 400 वाट, दो जलाओगे तो 800 वाट कंज्यूम करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास तीसरा है क्वार्ट्ज ट्यूब वाला, इसके अंदर क्वार्ट्ज की ट्यूब लगी हुई है, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे जो चौथा है वो कार्बन रॉड वाला हीटर है, ऐसा हीटर आपने शायद पहले ना देखा हो, थोड़ा सा नया मॉडल है ये, महाराजा कंपनी का, सिर्फ 500 वाट की इसकी सिंगल रॉड है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इस वाले हीटर को पूरी तरीके से हीटअप होने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 1 मिनट तो लगेगा है इसे ऑन होने में। अब जाके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कलर रेड हुआ है। तो जब मैंने अपने थर्मामीटर से इसकी हीटिंग रॉड का टेम्परेचर नापने की कोशिश की तो मैंने देखा इसका तापमान 528 सीधा हाई पे चला गया, यानी कि मेरा ये थर्मामीटर भी इसका तापमान नहीं नाप पाया, इतना ज़्यादा हाई तापमान है इसकी हीटिंग रॉड का। लेकिन हीटिंग रॉड का तापमान ज़्यादा होने का फ़ायदा ही क्या जब हमारे तक हीट ही ना पहुँच पाए। तो ये चेक करने के लिए अब मैं दूसरे टाइप का थर्मामीटर लेके आया हूँ, इससे इसका तापमान चेक करूँगा एकदम इसके पास में, एक फीट दूरी पे और करीब 1 मीटर दूरी पे। भाई इतने पास हाथ ले जाकर तापमान लेने कोई मतलब ही नहीं, हाथ 4 सेकंड भी इसकी हीट को नहीं झेल पा रहा है। तो नॉर्मली हम लोग 1 फीट दूरी से ही इससे सिकाई करते हैं, तो वही का तापमान ले लेते हैं। यहाँ पे 42 पहुंच चुका है और ये 43-44 भी क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पे इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुँच गया है 1 फीट दूरी पे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है मौसम के हिसाब से। अभी इसकी दूरी 1 मीटर कर देते हैं करीब, तो लगभग करीब 1 मीटर की दूरी पे इसका तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें मिल रहा है। 33 तक भी जा रहा है लेकिन ये 32 के आसपास ही रेंज कर रहा है। तो हमें इसकी रीडिंग तो मिल गई 1 फीट पे करीब 45 डिग्री सेल्सियस और 1 मीटर पे करीब 32-33 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमें ये हीटर दे रहा है। और जो भी टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं ये वैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तापमान कुछ और है, आपके वहाँ तापमान कुछ और होगा, लेकिन परफॉर्मेंस का आइडिया हमें लग जाएगा। तो अब हैलोजन वाले से टेस्टिंग स्टार्ट करते, देखते हैं ये कितनी देर में हमें हीटिंग देगा ऑन करने के बाद। यहाँ पे ये 3, 2, 1, ओ इसकी कोई जरूरत नहीं, एकदम इंस्टेंट हीटिंग हैलोजन से हमें मिल रही है। देखो ऑन किया तुरंत हीटिंग, ऑन किया तुरंत हीटिंग। तो ये फायदा है हैलोजन वाले रूम हीटर्स का। अब देखते हैं इसकी रॉड के आसपास का तापमान कितना है, कितना मैक्सिमम जाता है इसकी रॉड का तापमान। और ये मैंने थर्मामीटर लगाया, ओ भाई साहब गजब, इसका तापमान तो ये आराम से रीड किए ले रहा है 510 इसका मैक्सिमम तापमान गया है इसके हीटिंग एलिमेंट का। और यहाँ पे मेरा जो थर्मामीटर है वो हाई पे नहीं गया, यानी कि 510 तापमान इसका मैक्स है इसकी हीटिंग रॉड का, जो कि पहले वाले हीटर की तुलना में काफ़ी कम है। अभी सिर्फ 400 वाट पे जल रहा है, पिछला वाला 1000 पे जल रहा था, अब इसको दोनों को जला दिया, अब यह 800 पे पहुँचा है। अब देखते हैं कितना तापमान आता है इससे 1 फीट पे और 1 मीटर पे, इसको करते हैं दूर। लेकिन एक इसका नुकसान भी है, नुकसान बोल लो या फायदा बोल लो, इसमें रोशनी बहुत है जो कि आपको काफी दिक्कत कर सकता है। देखो सिर्फ हीटर की रोशनी में मैं आपको दिखने लगा हूँ, और ये देखो दोनों चला दिया है तो कितना ज्यादा विजिबल हो गया हूँ, तो इसकी रोशनी वाकई में बहुत ही ज्यादा
तेज है, ये देखिए ये देखिए। और भाई साहब यहाँ पे एक फीट दूरी पे और 44 और ये 45 हो गया, तो इस हीटर ने करीब एक फीट दूरी पे 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमें दे रहा है। अब देखते हैं एक मीटर दूरी पे कितना तापमान मिलेगा। तो करीब एक मीटर की दूरी पे हमें 30.9 यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल पा रहा है अपने इस हैलोजन रूम हीटर से, जो कि पिछले वाले रूम हीटर की तुलना में थोड़ा उसके के आसपास ही है। दोनों में अभी तक हमने ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा है। एक ही मेन डिफरेंस देखा है कि वो वाला 1000 वॉट का था और ये दोनों मिला के 800 वॉट के हैं। तो कुल मिला के कम वॉट में लगभग सेम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें रोशनी ज़्यादा है, ये मेन डिफरेंस है। आप बढ़ते हैं अपने तीसरे रूम हीटर की तरफ। अब हमारे पास है क्वार्ट्स वाला रूम हीटर। आप देखते हैं कितनी देर में ये पूरी तरीके से गर्म होगा। यहाँ पे टाइम स्टार्ट नाउ। वेट वेट वेट, इसमें वेट करना पड़ेगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे हमने लिखा लगभग आधा मिनट में ये हीटर पूरी तरीके से हीटिंग करना स्टार्ट कर चुका है, यानी कि सबसे पहले वाले से जस्ट हाफ और सेकंड वाले से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखते हैं इसका नियरेस्ट टेम्परेचर जो कि इसके हीटिंग रॉड का कितना आता है अपना इस थर्मामीटर में। तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम तापमान 525-530 के आसपास जा रहा है, वाकई में लगभग पिछले जितना ही जा रहा है। वाओ, अब देखते हैं इसके एक फीट दूरी पे कितना तापमान हमें मिलता है। तो यहाँ पे लगभग एक फीट दूरी पे 46 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमें मिल रहा है, ठीक है, लगभग पिछले जितना ही जा रहा है। सबका रेंज 45-46 के आसपास ही आ रहा है, यानी कि हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है सिर्फ वाट्स के। ये भी 800 वाट का है जब दोनों चल रहे हैं। अब एक मीटर पे देखते हैं कितना तापमान आता है। तो क्वार्ट्ज हीटर से एक मीटर की दूरी पे हमें करीब 32 डिग्री सेल्सियस का हीटिंग मिल रहा है, बिल्कुल लगभग वैसा ही सेम जा रहा है। अब अपना न्यू हीटर निकालते हैं जो कि अलग है, सबसे अलग है कार्बन रॉड वाला रूम हीटर। तो देखते हैं अपना कार्बन रॉड वाला हीटर कितनी देर में हीटिंग कंप्लीट कर लेगा। स्टार्ट। तो इस हीटर ने करीब आधा मिनट में कंप्लीट हीटिंग गेन कर ली है, आधा मिनट में ये भी कंप्लीट हीट हो जाता है। तो भाई साहब जब मैं इसकी रॉड का तापमान ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं 526 से हाई जा रहा है, यानी कि ये थर्मामीटर इसकी रॉड का तापमान बिल्कुल नहीं ले पाया जैसा सबसे पहले के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये कार्बन रॉड हीटर सिर्फ 500 वाट का है, जस्ट हाफ पहले वाले हीटर से। अब सेम चीज हम लोग लेते हैं एक फिट की दूरी पे कितना तापमान मिलेगा इस वाले रूम हीटर से। मुझे सबसे मस्त चीज़ लग रही है इसकी रॉड, एकदम अलग ही लग रही है, एकदम नई चीज़ देखने को लग रहा है। अगर कोई आएगा आपके घर में तो पक्का पूछेगा ये कौन सा रूम हीटर है। तो इस वाले में एक फीट की दूरी पे करीब 42-43 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान जा रहा है, मैक्सिमम 43 तक ही मैंने अभी तक इसमें रीडिंग देखी है। अब एक मीटर की दूरी पे देखते हैं क्या तापमान जाता है इससे। तो इस वाले रूम हीटर में हमें करीब एक मीटर की दूरी पे 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मिल रहा है। तो हमने अपनी टेस्टिंग में पाया कि सिरामिक रॉड हीटर, हैलोजन हीटर और क्वार्ट्ज हीटर का परफॉर्मेंस लगभग सेम था, सेम तापमान हमें मिले एक फिट और एक मीटर की दूरी पे। लेकिन जो 500 वाट का कार्बन रॉड हीटर है उसने सिर्फ 500 वाट में ही लगभग की सेम परफॉर्मेंस दी, बाकी तो आप लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा ही। तो यहाँ पे मैंने सबकी बेस्ट बाय लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ पे जाके अपनी जरूरत के हिसाब से या फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी रूम हीटर ले सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, बाकी के लोगों के साथ भी शेयर करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी अमेजिंग प्रोडक्ट्स के साथ। टाटा बाय बाय।